गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शालू विशाल लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप घर पे होंगे, सेफ होंगे, बहुत अच्छे से यू नो टाइम स्पेंड कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि पार्लर वगैरह भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं और कोई शॉप भी इस तरीके से हम अपनी शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह की। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप ये वैक्स आप देख रहे हैं, आप इसको देखिए गिराकर भी, तो ये बिल्कुल इस तरीके से सेट हो गई है जैसे हमारी मार्केट की जो वैक्स होती है वो होती है। तो हम सभी लोग बहुत परेशान हैं, भाई वैक्स हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, थ्रेडिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, अपर लिप्स नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर हेयर्स हैंड वैक्स लेग वैक्स हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से ये वैक्स बनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से घर पर बाजार जैसी एकदम वैक्स बना सकते हो और प्लस स्ट्रिप्स आप किस तरीके से बना सकते हो। जाहिर सी बात है अगर आपके वैक्स नहीं मिल पा रही है तो स्ट्रिप्स भी आपको नहीं मिलेगी इस लॉकडाउन में। तो वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना गाइज। और या मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझा पाऊं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शो कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे बनाई है मैंने ये वैक्स। तो चलिए गाइज देख लेते हैं कि वैक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में चीनी ले ली है। अगर आप ज़्यादा वैक्स बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी चीनी ली है और जितनी चीनी है उससे हाफ मैंने पानी लिया है और एक नींबू लिया है। तो इन तीनों ही चीज़ों को हमें एक साथ मिक्स कर लेना है, जिसमें हम चाय बनाते हैं ना उसमें, या फिर आप फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हो। तो इसमें मैंने इसको डाल दिया है चीनी को, साथ ही साथ पानी डाल दिया है। पानी आप थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और नींबू एक पूरा डाला है मैंने इसमें। अब मैंने इसको गैस पर रख दिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे गैस पे, और इसको आपको ना थोड़ी देर खड़े आपको मतलब थोड़ी देर में ये बन जाती है, तो उतनी देर आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लग जाएगी। तो आपको इसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप इसको चलाते रहिए। गाइस आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं और हमें इसे थोड़ी देर और चलाना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा डार्क ना हो जाए और ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, तो चलिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर ना थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, थोड़ा सा ब्राउनिश शेड आ रहा है कलर में। तो ये वैक्स हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको किसी भी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हमने इसको पकाया ना तो फिर ये बेकार हो जाएगी हमारी वैक्स। ये देखिए गाइस आपकी जो वैक्स है वो एकदम परफेक्टली वो बनी है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरीके का हो गया है जैसी आपकी बाजार की होती है ना वैक्स, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही बनी है। तो आप देख सकते हैं ये भी किस तरीके से ये वैक्स आपकी बनी है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप कैसे घर पर वैक्स बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। और लॉकडाउन चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास वैक्स के साथ साथ स्ट्रिप्स भी नहीं होंगी, तो चलिए अब देख लेते हैं कि स्ट्रिप्स हम घर पे कैसे बना सकते हैं। सो ये तो थी मेरी वैक्स की, और इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी वैक्स कैसी बनी और वो सक्सेसफुल रही या नहीं। लेकिन अगर आप हाँ इस तरीके से बनाओगे वैक्स और मेज़रमेंट का सही से ध्यान रखोगे ना, तो आपकी वैक्स भी एकदम परफेक्टली बनेगी।
स्ट्रिप्स बनाने के लिए गाइस आपको आपके घर पे पड़ा होगा इस तरीके के पोली बैग्स आते हैं ना, व्हाइट कलर में आते हैं और ये येलो कलर में है। तो व्हाइट कलर की मैंने पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे ये स्ट्रिप्स काटी हुई हैं, एंड ये येलो कलर का मेरे पास एक और पड़ा था, तो मैं आपको काट करके दिखा देती हूँ कि आप, और ट्रस्ट मी, ये जो पोली बैग है ना, इनसे जब आप स्ट्रिप्स बनाते हो तो ये बिल्कुल 100% वैसा ही वर्क करते हैं जैसे कि हमारी वो मार्केट वाली जो स्ट्रिप्स होती है ना वैक्सिंग की, वो करती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन पोली बैग से मन चाहे शेप के अकॉर्डिंग आप स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं। अगर आपको अपने फेशियल हेयर रिमूव करने हैं, आप छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं। आपको अपने हेयर्स पे वैक्स करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों ही पोली बैग वाली स्ट्रिप से आपको वैक्सिंग करके दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, हमारे ये जो पोली बैग है तो हम इनसे भी अच्छी सी स्ट्रिप्स बना सकते हैं। सो है ना मजेदार वीडियो कि आपको घर पे ही बैठ के आप वैक्स बना सकते हो, स्ट्रिप्स बना सकते हो, और थ्रेडिंग बनवाने नहीं जा सकते हो तो वैक्सिंग कर सकते हो। तो मैंने जो वीडियो है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आज आपको सिखा दिया है वैक्स कैसे बनानी है, स्ट्रिप्स कैसे बनानी है, एंड मैं कोशिश करूंगी शाम तक, नहीं तो कल सुबह मैं सेकेंड पार्ट इस वीडियो का अपलोड कर दूंगी, जिसमें कि मैंने बताया है कि आप अपनी थ्रेडिंग, अपने अपर लिप्स, अपने फेशियल हेयर्स और किस तरीके से वैक्सिंग कर सकते हैं। और अगर थ्रेडिंग करवाने नहीं जा पा रहे हैं, जाना भी नहीं चाहिए और लॉकडाउन में है मिस्टर सेफ, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। आधा काम मैंने आज आपको समझा दिया है, आधा उस वीडियो पे हम लोग करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन दोनों से कि फेशियल हेयर रिमूव होते हैं। बहुत ज्यादा वैक्स नहीं ली है मैं, आपको थोड़ी सी ही पे ही दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हेयर्स रिमूव हो गए हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट जो आने वाला है ना, उसको मिस मत करना, उसमें मैं सारे बताने वाली हूँ किस तरीके से आप अपने फेशियल हेयर्स को वैक्स कर सकते हो, और उसके लिए आपको ना बहुत ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करनी होती है, अदरवाइज आपका फेस खराब हो सकता है। सो वीडियो मिस ना करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।